मार्कर दे जी। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, लेक्चर नंबर 8 हमारा 6.2, इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 8 है, एक्सरसाइज 6.2 है। लास्ट टाइम हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ा था। अभी बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर स्टार्ट होने लगा है, पेपर में एमसीक्यू भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। पोजीशन ऑफ पॉइंट, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, यानी के सर्कल कोई भी पॉइंट, इधर फर्ज करें ये आपके पास कोई भी पॉइंट है, लेट पी एक्स वन वाई वन बी अ पॉइंट, प्लेन में कोई पॉइंट है, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो इसकी जनरल फॉर्म है 2gx प्लस 2fy, ये किसकी इक्वेशन है, इज अ सर्कल, देन द पॉइंट, जो पॉइंट है ना बच्चों इधर सुने, फर्ज करें ये आपके पास को सर्कल है, पॉइंट सर्कल के बाहर भी हो सकता है, सर्कल के अंदर भी हो सकता है, और सर्कल के ऊपर भी हो सकता है। तो हमने ये बताना है एनालिटिकली, ज्योमेट्रिकली अगर हमने बताना हो तो वो तो हम प्लेन में पहले सर्कल ड्रॉ करें, सर्कल ड्रॉ करने के बाद पॉइंट को लोकेट करें, लोकेट करके हम बता सकते हैं कि पॉइंट सर्कल के अंदर है या बाहर है, लेकिन हमें एनालिटिकली हमें बताना है, कोई फॉर्मूला कोई भी हम जो चीज पढ़ने लगे हैं जिससे हमें पता लग जाए, कोई टूल मैथमेटिकल टूल हो जिससे हमें पता चल जाए कि पॉइंट सर्कल के अंदर है, सर्कल के बाहर है या सर्कल के ऊपर है। हमें क्या दिया जाएगा, एक पॉइंट दिया जाएगा और एक सर्कल, मीन सर्कल की इक्वेशन दी जाएगी और कहेगा बताए ये पॉइंट सर्कल के बाहर है, अंदर है या सर्कल के ऊपर है। तो हम करेंगे क्या, इधर लिखना छोड़े जरा एक मिनट, एक्स वन स्क्वायर वाई वन स्क्वायर प्लस टू जी एक्स वन प्लस टू एफ वाई वन, इसको बस रीड करो ये क्या कह रहा है। तो हमें गिवन क्या था बोलो, पहले क्या गिवन था, एक पॉइंट गिवन था और क्या गिवन था, सर्कल की। हमने क्या किया, पॉइंट को सर्कल में, पॉइंट को सर्कल में मीन सर्कल की इक्वेशन में लगा दिया। जी हम पॉइंट को सर्कल में पुट करेंगे, पुट करने के बाद इसमें लगाने के बाद जो इसका आंसर आए, जो भी नंबर आए, अगर वो ग्रेटर देन क्या हो, जीरो हो, पॉजिटिव हो, तो हम कहते हैं कि वो जो पॉइंट है ना वो पॉइंट लाई इन आउटसाइड द सर्कल, देन पॉइंट कहां पे है भला, आउटसाइड पे, लो जी ये आउटसाइड पे। और अगर दूसरा स्टेप, दूसरा इसका जो दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी, एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस टू जी एक्स वन प्लस टू एफ वाई वन प्लस सी लेस देन जीरो आ जाए, तो उस वक्त पॉइंट जो है वो क्या होगा, इनसाइड द सर्कल। और अगर ये इक्वल टू जीरो आ जाए तो इट मींस वो पॉइंट जो है वो सर्कल की बाउंड्री पे है, इक्वल टू अगर आ जाए तो ये पॉइंट ऑन द सर्कल। समझ आई इसकी, हमें दिया जाएगा एक सर्कल, सर्कल मीन सर्कल की इक्वेशन, और कहेगा बताएं पॉइंट जो है वो इनसाइड द सर्कल है, आउटसाइड द सर्कल है या ऑन द सर्कल है। ओके, लेकिन जी क्वेश्चन नंबर 3 है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखे बच्चों, चेक वेदर द पॉइंट्स आर, चेक द पोजीशन ऑफ द पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं चेक द पोजीशन ऑफ पॉइंट, पॉइंट क्या दिया हुआ है 5, 6, और सर्कल इसका सेकंड पार्ट का पहला पार्ट ही चलें देख ले, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 81। इधर देखे सारे बच्चे, बच्चों इधर और सुनो, ये हमारे पास क्या है, एक सर्कल की इक्वेशन है, और ये हमें क्या दिया गया, एक
पॉइंट दिया गया, हमने चेक करना है कि ये पॉइंट सर्कल के ऊपर है, सर्कल के अंदर है या सर्कल के बाहर है। तो हम पहले इस सर्कल को ना जनरल फॉर्म बना लेंगे। जनरल फॉर्म मीन कि इक्वल टू क्या होना चाहिए, जो भी टर्म्स है ना वो उठा के लेफ्ट साइड पे ले आए, तो ये सर्कल क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 81 इज इक्वल टू जीरो। इसमें पॉइंट पुट कर दे, पुट एक्स इज इक्वल टू क्या है जी, या चेक एट, इस तरह लिख दे चेक एट 5 6। इसमें लगाएं x की जगह पे 5 आ गया, y की जगह पे 6 आ गया, -81। इसका आंसर क्या निकलता है, ये आ जाएगा 25 और 36 -20। अब देखें जो इसका आंसर आया वो लेस देन क्या है, 0। इससे क्या पता चला, सो द पॉइंट लाई इनसाइड द सर्कल, सो द पॉइंट लाई इनसाइड द सर्कल। पॉइंट जो है वो सर्कल के अंदर लाई करता है, क्योंकि ये पॉइंट क्लियर हो गया। इसका सेकंड पार्ट देखें जरा जल्दी जल्दी से, ताकि ये काम खत्म हो। लिखवाएं जरा सर्कल, लिखवाएं 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, शाम पा दे तू, प्लस 1 इज इक्वल टू 0 जी। किस पे चेक करना है इसको, 5 6 पे। तो पहले से जनरल फॉर्म में है तो इसको चेक कर लें, ये आ जाएगा 230, ये 6 स्क्वायर आ जाएगा प्लस 12 इंटू 5 स्क्वायर 5 माइनस 8 इंटू 6 प्लस 1। इसका आंसर निकाल लें, 50 माइनस 72 प्लस 60 माइनस 48 प्लस 1, देखिए कितना आंसर आता है, 135 आता है, और जो कि ग्रेटर देन क्या है, 0। सो दी पॉइंट लाई आउटसाइड दी सर्कल। लो जी पॉइंट जो है वो आउटसाइड दी सर्कल लाई कर रहा है, समझ आ गई बच्चों जी। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद है जी क्वेश्चन नंबर 4, उसके लिए हेडिंग दे लेंथ ऑफ टेंजेंट लाइन। जी लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है, लेंथ ऑफ टेंजेंट लाइन। सबसे पहले तो ये देखें, ये आपके पास एक सर्कल है, इधर लिखना छोड़ें एक मिनट जरा। सर टेंजेंट की लेंथ कैसे मेजर हो सकती है, क्या होती है, पहले टेंजेंट की डेफिनेशन क्या है बोला। टेंजेंट एक लाइन है, पहले तो इस बात पे है, टेंजेंट एक लाइन है, और लाइन का तो कोई एंड ही नहीं होता, तो सर टेंजेंट की लेंथ कैसे फाइंड कर सकते। फर्ज करें किसी भी पॉइंट से सर्कल के ऊपर टेंजेंट है, इस पॉइंट का नाम पी रख लेते हैं, और हमें पता है कि अगर पॉइंट आउटसाइड दी सर्कल हो, ये भी पेपर का एमसीक्यू है, तो किसी भी आउटसाइडेड पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये टेंजेंट जब यहां से ड्रॉ हो रहा है तो इस टेंजेंट की लेंथ कितनी है। हम आमतौर पर कहते हैं टेंजेंट एक लाइन है और लाइन का तो कोई एंड नहीं होता, लेकिन जब हम टेंजेंट की लेंथ की बात करते हैं ना, तो हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से लेकर, दिस इज अ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, तो जो आउटसाइड वाला पॉइंट है ना वहां तक का जो लेंथ है, दिस इज नोन एज लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये आपने 10th क्लास में सीखी हुई है बात, चैप्टर नंबर 10 में, वहां पे आपकी बुक में ये वर्डिंग पता क्या लिखी गई है, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज मेजर्ड, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज मेजर्ड फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड, फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। यानी लेंथ ऑफ मेजर्ड, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है बोला, इसको मैं लिख देता हूं, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज मेजर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, या पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट भी कह सकते हैं आप, टू द टू पॉइंट लाई आउटसाइड द सर्कल। अच्छा, यानी कि लेंथ पता कितनी है,
ओए इधर टेंजेंट की लेंथ कितनी है, इसकी अगर मैंने लेंथ फाइंड करनी हो ना, इधर ही लिखता हूं, चले लेंथ अगर फाइंड करनी हो तो वो पता कितनी है, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू पी से ए तक का जो डिस्टेंस है, यानी पी से ए तक की जो लाइन है ना वो उसकी जो लेंथ है, दिस इज नोन एज लेंथ ऑफ टेंजेंट। और इसका नाम अगर मैं बी रख दूं तो दिस इज कॉल्ड पीबी। और यहां से एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पेपर में आता है कि सर्कल के टेंथ क्लास वाले शहजादे। अच्छा यहां से एक और एमसीक्यू आता है, ये पहले भी पढ़ा हुआ, सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट पड़ा हो ना तो उसके उससे सर्कल के ऊपर जो दो टेंजेंट ड्रॉ होते हैं वो इक्वल इन लेंथ होते हैं, यानी ये और ये आपस में बराबर है। ये भी एक एमसीक्यू याद रखिएगा, पी से ए तक का डिस्टेंस और पी से बी तक का जो डिस्टेंस है वो आपस में इक्वल है। और ये बात समझ आ गई है। एक तो तीसरी बात, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल एंड दे आर इक्वल इन लेंथ, लेंथ में इक्वल होते हैं। अब अगली बात, दो बातें हो गई, तीसरी बात कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज मेजर्ड फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, टू द गिवन पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। ओके, अब इसको हम एनालिटिकली कैसे फाइंड करेंगे। फर्ज करें हमें दिया जाएगा एक पॉइंट पी, उसका नाम क्या रख लें, एक्स वन वाई वन, एंड हमें पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इज अ सर्कल। देन लेंथ, लेंथ का फार्मूला होता है लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस टू जी एक्स वन प्लस टू एफ वाई वन प्लस सी और ऊपर स्क्वायर रूट। इसको ट्रांसलेट करें जरा भला, क्या कह रहा है ये फार्मूला, पॉइंट को इक्वेशन ऑफ सर्कल में स्क्वायर स्क्वायर रूट ले लेना है। वेरी गुड, जो भी अच्छा पॉइंट गिवन होगा, अगर हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है तो वो बताएगा कि इस पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी है, वो कौन सा पॉइंट होगा, ऐसा पॉइंट जो लाई करेगा आउटसाइड दी सर्कल, ऐसा पॉइंट जो लाई करेगा आउटसाइड दी सर्कल। इसका क्वेश्चन नंबर फोर है, देखें जरा बुक पे लिखवाएं जरा, क्वेश्चन नंबर फोर में क्या कहता है जी, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट सर्कल क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट हमने फाइंड करनी है, सर्कल की इक्वेशन लिखवाइएगा जरा, माइनस 131 इज इक्वल टू जीरो, क्या करें किस पॉइंट पे, फ्रॉम कौन सा पॉइंट है बोला, माइनस फाइव और फोर से। बच्चों इधर देखे, ये हमारे पास एक पॉइंट है, ये हमें दिया गया है एक point. इस पॉइंट को इक्वेशन में पुट करें, पुट करके उसका स्क्वायर रूट ले ले तो फॉर्मूला क्या है, वी नो दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू वो डिवाइड करें या ना करें वो कोई इशू नहीं है, फिर भी उसके बाद भी आपको अगर आप इसको स्टैंडर्ड वो बनाना चाहते हैं ना, जनरल फॉर्म, इसकी स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म बनाना चाहते हैं तो फिर फाइव से पहले इसको डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद उसका स्क्वायर रूट ले लें। अगर आपने इसको इस तरह की फॉर्म बनाना है, मेरी बात समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं, इसको फाइव से क्या करें डिवाइड, डिवाइडेड बाय फाइव, ये ले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस 131 बाय 5 इज इक्वल टू जीरो। अब इसमें लेंथ निकालने का फार्मूला क्या है जी, लेंथ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पॉइंट को इसके अंदर पुट करें, करें पुट करा, माइनस फाइव स्क्वायर फोर स्क्वायर माइनस टू इंटू फाइव प्लस थ्री इंटू हाँ माइनस फाइव थ्री इंटू फोर माइनस 131 बाय 5 ये लेंथ आ गई। वो अगर मैं ना भी डिवाइड करता ना वो उस पे फाइव पे, वो सुनो वो फाइव पे डिवाइड ना भी करता ना तो फिर भी हो जाना था, वो इशू नहीं था। चलें इसका आंसर निकाल लें, क्या आंसर आ जाएगा, 25 16 प्लस 10 प्लस 12 माइनस 131 बाय 5 स्क्वायर रूट। इसका आंसर लिखवा दे मुझे क्या आता है,
स्केयर रूट 184 बाय 5, उसके ऊपर भी स्केयर रूट ही है, होल स्केयर रूट है 185 बाय 5 184 बाय 5। क्लियर है? एक इसके जैसी एग्जाम्पल है, वो जरा देखिए, जरा पेज नंबर, बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, पेपर में आई हुई है, पेज नंबर 262 पे एग्जाम्पल नंबर 6 है, पेज 262 एग्जाम्पल नंबर 6, इसको लिख ले, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन। और ठीक है तो जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 5। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ना थोड़ी सी पहले बेस बनानी है, वो जरा समझ ले जरा ध्यान से। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है? बस ठीक है जी। बच्चों इधर लिखना छोड़े, एक मिनट इधर देखे, सारे आंसर कीजिएगा जरा। ये क्या है आपके पास? एक क्या है? ये एक सर्कल। सर्कल, अगर मैं तुम्हें कहूं ये आपके पास क्या है? एक सीकेंट लाइन, कोई लाइन है। इसका मतलब क्या है कि हमें क्या दी गई? एक लीनियर और क्या दिया गया? सर्कल। अच्छा, जब दो लाइनें या दो कर्व्स या दो, जब जहां भी दो कर्व, दो स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, ये इंटरसेक्शन पॉइंट अगर फाइंड करना हो तो कैसे करते हैं? अब क्वेश्चन पता क्या है, सुनिएगा ध्यान से। ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है। क्या है ये? अगर मैं तुम्हें कहूं कि यार मुझे ये वाला और ये वाला पॉइंट बताओ क्या है, और मैंने आपको दिया क्या है, एनालिटिकली पूछ रहा हूं, ज्योमेट्रिकली नहीं, एनालिटिकली। आपको मैंने दिया एक लीनियर, जब मैं कहता हूं ना मैंने आपको एक लाइन दी है, लाइन का मतलब, और मैंने एक क्या दिया आपको, इट मीन सर्कल की इक्वेशन, सर्कल की भी इक्वेशन दे दी है, स्ट्रेट लाइन की भी इक्वेशन दे दी है, और मैं ये कह रहा हूं कि इसको फाइंड करके दिखाएं इन पॉइंट्स को, तो कैसे फाइंड करेंगे? शाबाश, दोनों को सॉल्व कर देंगे। बायो का लेक्चर नहीं हो रहा? हाँ जी, दोनों को आपस में हम सॉल्व करेंगे तो ये दो पॉइंट्स नहीं आ जाएंगे? क्यों भाई? और ये समझ आई ये बात आपको कि नहीं समझ आई इस बात में? हमें, हमने ये पहले ही काम किया हुआ है, अगर आपको याद हो, फर्स्ट ईयर में एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें दो पॉइंट्स मिलते हैं, दो पॉइंट्स मिलते हैं हमें, एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक को, हमने 4.89 एक्सरसाइज आपकी फर्स्ट ईयर की, उसमें हमने इसको सॉल्व किया हुआ है। और जैसे ये दो पॉइंट मिल गए, इमेजिन करो दो पॉइंट मिल गए, एक का नाम मैं क्या रख लेता हूं ए और एक का नाम बी। इसके बाद अगर मैं तुम्हें कहूं यहां से लेकर यहां तक ये एक, बोलो क्या है ये? कॉर्ड ऑफ सर्कल। अगर मैं तुम्हें कहूं इसकी मुझे लेंथ फाइंड करके दिखाओ, तो इस पे क्या लगाएंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। शाबाश, समझ आई बात की? अब उसने क्वेश्चन पता क्या दिया है, क्वेश्चन जरा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है फाइंड दी लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड कट ऑफ फ्रॉम द लाइन, यानी ए लाइन दी हुई है, लीनियर इक्वेशन लिखवाएं जरा, 2x + 3y = 13 टू सर्कल। सर्कल क्या है? x² + y² = 26। लो भी ये आपके पास क्वेश्चन है, कहता है जी ये एक स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन जब किसी सर्कल को कट करके जाती है, उस वक्त उस पे जो कोड बनती है ना सर्कल की, मैं इसका सिनेरियो इस तरह से बना लेता हूं, ये देखें जरा, ये फर्ज करें ये आपके पास एक लाइन है 2x + 3y = 13। ये ए से लेकर बी तक की जो कोड लेंथ है ना, ये हमने फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है?
ए से बी तक जो कॉर्ड लेंथ है ये हमने फाइंड करनी है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है। तो इसको किस तरह से फाइंड करेंगे, और मैंने सारा आपको बता दिया। बच्चों इधर सुनो, इन दोनों इक्वेशंस को जहां कहीं भी आइंदा ये बात याद कर ले, जब भी आपको देखें इधर, ये क्या है आपके पास, एक ये आपके पास क्या है, एलिप्स। मैं कहूं ये वाले पॉइंट फाइंड करके दिखाऊं, तो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आपने वेरिएबल्स की वैल्यूज को फाइंड करना है। ये आपके पास एक पैराबोला है, ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों को सॉल्व करें, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाते हैं। ये जो सोल्यूशन होता है ना, साइमल्टेनियस इक्वेशंस का जो सोल्यूशन होता है वो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स होते हैं। जब भी हम दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, जब भी हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, तो उससे जो वेरिएबल के आंसर आते हैं ना, वो असल में इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं, जहां जहां ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं। तो मुझे ये दोनों पॉइंट चाहिए, तो क्या करूं, इन दोनों को सॉल्व कर लूं, वेरिएबल की वैल्यूज निकाल लूं, तो इसका नाम रख लूं इक्वेशन नंबर, इसका नाम इक्वेशन नंबर टू। तो नंबर वन में से, नंबर वन में से किसी की भी वैल्यू निकाल लें, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालें, और वाई की वैल्यू निकाल ली मैंने, इसको नंबर टू में पुट करें, नंबर टू में पुट कर दें जी, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 13 माइनस 2x बाय 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 26। इसको सिंप्लीफाई कर लें, अब इसको सिंप्लीफाई करना आता है कि नहीं आता, एक्स स्क्वायर प्लस 169 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 52x ओवर 9 इज इक्वल टू 26। इसको मल्टीप्लाई करवा दें 9 से, 169 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 52x और 26 को भी 9 से मल्टीप्लाई करवाएं, 236 आ गया, और ये आ जाएगा 13। इसे जो सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है वो लिखवा दे जरा, माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास एक 9 प्लस 4 13x स्क्वायर, खाली क्यों रखूं मैं, कुछ बीच में खाने पीने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। हाँ जी, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आंसर लिखवा दे जरा। लो जी, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इससे एक्स के दो आंसर आ जाएंगे, एक्स की वैल्यूज निकल आएंगी, इसके रूट जो फाइंड हो जाएंगे, एक्स माइन एक्स इज इक्वल टू 5 और एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, ये दो आंसर आ गए। अब ये दोनों जो है वो 1/1 किस में पुट कर दे जरा, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, तो वहां से y की वैल्यू पता क्या निकल आएगी, y इज इक्वल टू 13 माइनस 2 इंटू 5 बाय 3, इसमें लगा रहा हूं, और ये वही है ना, इक्वेशन नंबर 1 ही है ना, तो इधर से y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 10 1 आ जाएगा, और इधर भी अगर मैं इसको भी नंबर 1 में पुट करूं, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 13 माइनस 2 इंटू माइनस 1 ओवर 3, आंसर 5 आ जाएगा। ओके बच्चों, अच्छा क्या बन गए दोनों पॉइंट, और सुनो क्या बन गए भला, वो जो दो पॉइंट्स बने हैं ना, उनका नाम मैं ए बी रख लेता हूं, ए कितना 5 और 1, और दूसरा उसका नाम बी रख लेता हूं माइनस 1 और 5। बच्चों इधर ये दो पॉइंट्स आ गए, ये कौन से पॉइंट आए हैं भला, ये वाले, ये ए बी वाले पॉइंट आ गए हैं जो सर्कल की बाउंड्री पे हैं, और दूसरा पॉइंट क्या है माइनस 1 और 5। अब उसने क्वेश्चन क्या दिया था भला, कहता था इसकी जो कॉर्ड लेंथ है ना ये फाइंड करके दिखाओ, और अगर मैंने इसकी लेंथ फाइंड करनी है तो क्या लगाऊं, चैप्टर नंबर 4, समझ आई है बात की कि नहीं, इस पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, नाउ ए बी पे डिस्टेंस फार्मूला, कॉर्ड लेंथ इज इक्वल टू ए बी, कॉर्ड लेंथ जो है वो ए बी है, इस पे डिस्टेंस फार्मूला लगा दें, ये क्या आ जाएगा जी, माइनस 1 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 होल स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 36, स्क्वायर रूट ऑफ 52 आंसर आ गया जी, ये कॉर्ड लेंथ फाइंड होगी, ये फाइनल आंसर है। क्यों भी समझ आई जी, उसने कहा था जब एक स्ट्रेट लाइन सर्कल को कट करके जाती है ना, तो वो एक कोड जनरेट करती है, वो कोड देती है सेकंड लाइन जब इंटरसेक्ट करके जाती है, तो वो कोड लेंथ फाइंड करनी है। अब वो लेंथ फाइंड करने के लिए हमें चाहिए थे ये दो
पॉइंट्स। अब ये दो पॉइंट्स लाने के लिए हमने दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आंसर आ गया, उस पर डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया। क्यों भी समझ आई जाए कि नहीं समझ आई? अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं जी हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अच्छा सुने, ओए मेरी बात सुने, ये भी आपको आता है, क्वेश्चन नंबर 6 भी आता है आपको, लिखना छोड़े, मेरी बात का जवाब देना है आपने। सुनो, फर्ज करें ये आपके पास क्या है, एक ये आपके पास एक ये क्या है, शाबाश बोलो, पॉइंट्स ऑफ, और अगर मुझे इनको फाइंड करना हो दोनों को यहां तक ले आओ। अगर मैं इस क्वेश्चन को ये बना देता फाइंड दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड दी सर्कल, वो तो यहां तक सॉल्व कर देना था ना। ये नहीं समझे, ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? फाइंड दी पॉइंट ऑफ, जब भी हम दो इक्वेशंस को सॉल्व करके वेरिएबल के आंसर लेके आते हैं तो उससे हमें जो पॉइंट्स मिलते हैं वो एक्चुअली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस होते हैं। पढ़ो जरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर 6। क्यों भी ये कर सकते हो या नहीं कर सकते मुझे बता दो जरा, ये हो सकता है या नहीं हो सकता? आपने सिर्फ ये करना है कि दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, या मैं करूं, लिखवाएं मुझे जरा, एक्स स्क्वायर, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 39, ये आ गया आपके पास सर्कल की इक्वेशन, और लीनियर इक्वेशन भी लिखवाएं, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 6। लो जी, इसको कह लें इक्वेशन नंबर 1, इसको कह लें इक्वेशन नंबर 2। नंबर 2 में से, नंबर 2 में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालें, x की वैल्यू निकाल लेते हैं 6 माइनस 2y, और इसको नंबर 1 में पुट कर दें तो ये आ जाएगा 6 माइनस 2y होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 माइनस 2y माइनस 39 इज इक्वल टू 0। इसको सिंपलीफाई कर लें, कहां पे, हाँ माइनस 39 से पहले -2y -39 = 0, 36 + 4y² - 24y + y² - 12 + 4y - 2y - 39 = 0। इसको सिंपलीफाई करके जो आंसर आया 5y² - 22y, ले जी ये आपके पास आंसर आ गया आफ्टर सिंपलीफाई। अब इसके दो रूट आ जाएंगे y के, जो दो आंसर आएंगे डायरेक्ट लिख दूं, y = 5 और y = 2। लो जी इसको सॉल्व करके ये आ जाएगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लें, फैक्टराइजेशन कर लें जो भी, फिर इनको पुट करें नंबर 2 के अंदर, इसको भी पुट करें, ये आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी 6 - 2 × 5, आंसर आ जाएगा 6 - -4, और इसको भी हम नंबर 2 में पुट करेंगे तो x = 6 - 2 × -3/5, 36/5। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस कौन कौन से आ गए? लो जी इधर देखे जरा, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस इस तरह से हेडिंग देकर, पहला पॉइंट क्या है -4 और 5, और सेकंड वाला पॉइंट क्या है 36/5 और -3/5। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्यों भी समझ आ गई? कितने क्वेश्चन हो गए जी? क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया काम। आगे आपका जो नया लेक्चर स्टार्ट होना है, अभी तक हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या पढ़ा था भला? अरे सुने 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 सुने, अभी जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट व्हेन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट व्हेन पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज गिवन। अब नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट व्हेन पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज नॉट गिवन। अगर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ना दिया हो तो फिर हम क्या करते हैं?
तो उसके लिए हम नया लेक्चर कल लगाएंगे जो हमारा लेक्चर नंबर 9 होगा। ओके जी, इसमें कोई बात पूछनी है तो पूछ लो।